अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ रिंकल्स ऑन योर हैंड्स एंड फीट, यानी कि आप अपने हाथ पांव के रिंकल्स को कैसे दूर कर सकते हैं, या अगर हो भी गए हैं तो उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपने करना क्या है कि आजकल जिस तरह का मौसम है ना, वो बहुत सर्दी का मौसम है और उसमें ड्राई वेदर हो जाता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑन योर स्किन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे इट विल गेट ड्राई और इसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन इन दिस वेदर स्पेशली। तो आपने मॉइस्चराइज़ करना होगा। मॉइस्चराइज़ के लिए मैंने अपनी पहले एक वीडियो में बताया है कि हाउ यू कैन मेक द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर दिस वेदर, और उस मॉइस्चराइज़र को जब आप इस होम रेमेडी के साथ यूज़ करेंगे तो इट विल गेट 100% वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी की तरफ। होम रेमेडी में आपको क्या क्या चाहिए होगा वो भी बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको सर्दी के मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑफ हनी, यानी कि 2 खाने के चमचे शहद, 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, यानी कि एलोवेरा का जो जेल होता है वो आपको 2 टेबल स्पून 2 खाने के चमचे चाहिए होंगे। Then you have to add 2 tablespoons of any body lotion. आपने 2 खाने के चमचे कोई भी लोशन ऐड कर लेना है। अगर लोशन नहीं है, जो मैंने मॉइस्चराइज़र की रेमेडी आपको बताई थी अपनी पहले वीडियो में, आप 2 खाने के चमचे वो मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड कर लीजिए। Then add 1 tablespoon of coconut oil, यानी कि 1 खाने का चमचा नारियल का तेल। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल, सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हैंड्स एंड फॉर योर स्किन, और आपने इसको अप्लाई करने के बाद क्या करना है कि ग्लव्स पहन लेना है, जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं वो आपने हाथों में पहन लेना है, और पाँव में सॉक्स पहन लीजिए फॉर 20 मिनट्स, यानी कि अच्छी तरह से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स के लिए कवर करना है। प्लास्टिक ग्लव्स पहन लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए, और इसको आपने 20 मिनट्स के बाद वार्म वाटर से रिंस ऑफ कर लेना है, यानी कि इसको धो लेना है 20 मिनट के बाद। अब 20 मिनट के बाद धोने के बाद आपने इस पे लोशन लगा लेना है, या मैंने जो मॉइस्चराइज़र की आपको वीडियो बताई है पहले, वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है हाथ और पांव पे, और ये आपने करना है ट्वाइस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 मरतबा करना है। और जब हफ्ते में 2 मरतबा आप करेंगे ना, उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स होंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स होंगे। और मैंने आपको बताया कि पहले जो मॉइस्चराइज़र मैंने बताया, मॉइस्चराइज़र और इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस विंटर में भी आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रेमेडी से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट रेमेडी होगी मेरी कि आप कैसे घर पर एक नाइट क्रीम बना सकते हैं इन अ ईजी वे। Don't forget to subscribe Easy Life Bushra and keep watching my videos. Thank you.